क्या आपने कभी उबलते पानी में आलू डाल के देखे हैं? नहीं देखे हैं तो आज इसका कमाल देखिए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, घर के सामानों से बन के तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे इसके आगे दोस्तों आलू समोसे जो मैं बना रही हूँ, समोसे हो, कचौड़ी हो, या पकोड़े हो, या फ्रेंच राइज हो, सभी कुछ इसके आगे भूल जाएंगे। बहुत ही नई रेसिपी है। तो यहाँ पे हमें उबलते पानी में मैंने छोटे साइज के आलू डाले हैं। अगर आपको छोटे साइज के मिल जाते हैं तो साबुत उबाल सकते हैं। अगर थोड़े से बड़े हैं, जैसे ये मेरा थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े से थे, तो मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं। तो इनको हमें 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। 50% उबाल लेना है, इसका कच्चापन हमें दूर करना है, और 50% हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से धो लिया था। अगर आप छीलना चाहते हैं तो छील सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत मैंने छील रखा है, और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में छोटे छोटे आलू मिलते हैं और बहुत ही बढ़िया अच्छे लगते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप छील के बनाना चाहते हैं, बिना छीले बनाना चाहते हैं। तो चलिए मजेदार रेसिपी को हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार है, और वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही चटपटा नाश्ता है। तो ये 5 रुपए में प्लेट भर के आपका नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो इधर हमारे आलू उबल रहे हैं, जैसे इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने उबालने के लिए आलू रख दिए हैं। तो अभी हमें मसाला तैयार करना है, तो हम मसाले की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हमने लहसुन लिया है। जो लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, बिना लहसुन के भी बन सकता है। थोड़ी सी कलौंजी ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है, और थोड़ी सी यहाँ मैंने अजवाइन ली है, थोड़ा सा मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, अदरक लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च ली है। सब चीजों को डाल के अच्छे से इन्हें हमें एक दरदरा सा इमाम दस्ते में पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ मैंने इसे कूट लिया है इस तरह से। तो ये मसाला हमें तैयार करना है, और बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी शुरू हो रही है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत ही नया तरीके का मैं नाश्ता बनाना बता रही हूँ ना। हम कोई स्नैक भी नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, और आप देखेंगे। तो चलिए अब मैं इस तरफ आ जाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ हमारे आलू उबल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जब हमें 50% तक आलू उबालना है, तो हमने आलू उबाल के रखे हुए हैं, तो मैं उसको निकाल के दिखा रही हूँ आपको फटाफट से। यहाँ मैंने इस तरह से आलू को निकाल के, आपको गर्मा गर्म ही करना है। अब मैंने क्या करा, उन आलू को जब 50% पक गए थे, तो मैंने इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं, हमारे साथ रेखा जी, अंकित जी, स्मृति जी जुड़ी हैं, सभी को मेरी राधे राधे, और आकाश गुप्ता जी आ चुके हैं। तो आकाश गुप्ता जी, थोड़े से कमेंट कम कीजिएगा। तो आप, और यहाँ पे हमारे संग बबीता जी जुड़ी हैं। तो अब मैंने क्या करे, छन्नी में इस तरह से निकाल लिया है, और इसको गर्मा गर्म ही हमें इस प्लेट में डालना है। तो ये आप अभी देख रहे होंगे क्या चीज है, मैं अभी बताऊंगी आपको ये क्या चीज है। तो इसको बस निकालते फौरन ही डाल देना है छान कर, जैसे मैंने डाला है। और उधर मैं आलू उबल ही रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैं बीच बीच में आलू उबलते हुए दिखाती रहूंगी, और ये मैं कर चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने व्हाइट व्हाइट क्या लिया है आप सोच रहे होंगे, मैं चलिए बता देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे यहाँ, तो ये मैंने अरारोट लिया है। आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, तो गर्मा गर्म में ही डालेंगे जिससे ये चिपक जाए। तो यहाँ आप चावल का आटा, मैदा डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है
आटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख लोगे मैं चावल का आटा डाली हूँ इस तरह से, और सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि आपस में चिपकते जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो हमने मसाला तैयार करके रखा था इसे डाल देंगे, और जो लहसुन नहीं खाते हैं नहीं डालिएगा, उसके बिना भी बन जाता है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पे कुछ मसाले भी डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ा सा काला नमक लिया है। नमक पहले ध्यान से डालिएगा, पहले भी डाला था। और एक चम्मच चटपटे के लिए चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा यहाँ मैंने पुदीना लिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सफेद तिल लिया है। सभी चीजों को हम डाल देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी डाल सकते हैं। और सब चीजों को हमें मिक्स करना है। तो यहाँ आलू हमारे इस तरह से उबल रहे हैं, आप देख रहे होंगे साइड पे। मैंने इसे मीडियम आंच पे पकाना है, और ये 50%। अगर आप कढ़ाई में नहीं उबालना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक छोटे कुकर में एक सीटी ले सकते हैं। छोटे कुकर में आप दो ले सकते हैं और बड़े में एक सीटी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको गैस को ये वाला बंद करती हूँ। इस तरह से आपको उबालना है। तो यहाँ मैंने दिखा दिया है, अब सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हाथों से ही काम करिए, अच्छे से मिक्स होगा जैसे आप देख रहे हैं। और अगर इसमें थोड़ी सी अरारोट चावल का आटा ज्यादा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा ही मिलाएं, थोड़ा ज्यादा भी मिला सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा, मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ और डाल देती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ मैं पानी डालूंगी, थोड़ा सा हमें डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा पानी भी डालना है। तो बस मैं हल्के से छींटा दूंगी इस तरह से, क्योंकि सब चीजों को चिपकाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ता है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं अच्छे से। इस तरह से ये लिपट जाना चाहिए, जितना भी हमने मसाला बनाया है इसमें अच्छे से लिपट जाना चाहिए। और दोस्तों कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं जब भी पता लगता है इसका स्वाद, अगर नहीं बनाते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो कई बार और देखने से भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे मैं लपेट रही हूँ इस तरह से, और आज मैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। हमेशा मैं रोज नई नई रेसिपी लाती हूँ, और याद दिला देती हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप को अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और पेज को फेसबुक पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, और लाइक तो भर भर के जरूर दीजिए, दोस्तों के संग कमेंट जरूर दोस्तों के संग शेयर कीजिए और फैमिली के संग। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से लपेट लिया है। अभी थोड़ा सा और डालेंगे, क्योंकि पहले डाला था तो वो चिपकता नहीं है, और फिर थोड़ा सा हमें इसे सूखा करना होता है। तो उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा चावल का आटा और डाल सकते हैं जिससे अच्छे से चिपक जाए। तो बिल्कुल मैं नए तरीके से बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये पहले करके नहीं रखा था जिससे आप समझ सकें। और चाहे तो आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं इस तरह से, ऊपर से जो तिल दिखते हैं हल्के हल्के से, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब ये अच्छे से चिपक जाएगा। सिर्फ 5 रुपए में, आजकल आपको पता है नया आलू आता है छोटा छोटा सा, बहुत मिलता है, सिर्फ 5 रुपए में प्लेट भर के नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है कि आप सोचें, बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है।
और बच्चे बाजार से फ्रेंच फ्राइज बना लाते हैं, खाते हैं, और एक बार इस रेसिपी बना के खाइएगा, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो एक बार मैं हाथ धो लेती हूँ फटाफट से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने गैस को रख ली, इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए, मीडियम आंच पे हमने गर्म करा है, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक साथ डालेंगे। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल रख लिया है, आप जो भी खाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मीडियम करना है, मीडियम आंच पे करना है और मीडियम ही हमें तेल गर्म होना है, बहुत ज्यादा नहीं गर्म होना है। तो यहाँ मेरा गर्म हो चुका है क्योंकि हमने पहले से कढ़ाई रखी है, पर आप मीडियम आंच पे ही करिएगा और मीडियम तेल गर्म होना चाहिए। तो अब एक एक करके हम इसको डालते जाएंगे। और इसको सीखने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। क्रिस्पी, बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि चावल का आटा सबको पता है बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। और अरारोट भी हमने लगाया आपके सामने, और इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगता है, उसमें सारे मसालों का फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ जितने कढ़ाई में जगह उतना डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने बाद में दूसरे बैच में सेक लीजिएगा। यहाँ मैं एक एक करके डाल रही हूँ और साइड में मसाला भी अच्छे से चिपकाती जा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैं इस तरह से मसाला चिपकाती जा रही हूँ। यहाँ अच्छे से मसाला चिपक जाता है तो ये अच्छे से बनते हैं। तो बस मैं इतना ही डालूंगी। डालने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, इसको फौरन नहीं पलटना है, इसे 2-3 से 4 मिनट, हमें जैसे मैंने आपको बताया 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो 3 से 4 मिनट इसको हमें ऐसे ही पकाना है नीचे से, फिर इसको पलटना है। क्योंकि छोटे छोटे आलू हैं और हमने उबाल रखे हैं और इसलिए, और फिर 5 से 7 मिनट में जितनी कसर रहेगी वो भी पक जाते हैं। तो आपको 50 से 60% कर लेना है। अगर इस तरह से छोटे छोटे आलू मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो मेरे पास एक ही था ऐसे छोटा सा, तो यहाँ मैंने छोटे छोटे आलू आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो मैंने इतने सारे डाल दिए हैं, फिर भी चलिए कढ़ाई में। अब मैं इसको पलटने वाली हूँ, आप देख लोगे बीच वाले सिकने लगे हैं। और नया कमेंट किसका है हमारे संग, आर्यन जी हैं, वंदना जी हैं, और कल के भी कमेंट का जवाब देना है, कल शाम को किस किस ने हमारे साथ देखी थी, सुधा जी हैं। एक बार मैं इधर से सफाई कर लेती हूँ, फटाफट आपको सर्व करने का तरीका दिखाऊंगी, इसे कैसे खाया जाता है, किस चीज से खाया जाता है वो सारा कुछ बताऊंगी। इसे कई तरीकों से खाया जाता है। तो बस हम इसको पलट लेती हूँ, बस ये सीख चुका है इधर से। और इसमें घी भी बिल्कुल नहीं भरता है दोस्तों, आप सोचेंगे घी भरेगा, इसमें घी भी नहीं भरता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अब मैंने पलट लेती हूँ, तो आप देख लोगे बस जैसे नीचे से हो जाता है उसके बाद ही पलटना है। तो यहाँ पे अगर ये, अगर आप 2 मिनट पहले ही पलट देंगे तो वो डालते ही तो वो चिपक जाता है कई बार, तो इसलिए मैंने कहा था कि डालते ही नहीं पलटिएगा। और आप देख रहे होंगे घी भी गंदा नहीं होता, सारी चीजें ऐसे ही चिपकी रहती हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं तो कई बार बना के खा चुकी हूँ तो मुझे पता है। और अगर कल आपने, हमने जो मूंगफली की रेसिपी डाली थी उसमें आपने मूंगफली का, हमने 2 रेसिपी बनाकर डाली है, यकीन करिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा यम्मी टेस्टी है, उस रेसिपी को जरूर देखिएगा। और शाम को जो हमने सूजी और कच्चे आलू की बनाई थी वो भी बहुत बढ़िया रेसिपी है, क्योंकि जब ट्राई करेंगे तभी पता लगता है, पर बहुत ही टेस्टी थी। क्योंकि हम बताते हैं पर लोगों को लगता है कि नहीं होगा,
पर आप खुद बनाइए फिर आपको और पता लग जाएगा। हमें मीडियम आंच पे करना है, तो यहाँ मैं इसको क्रिस्पी कर रही हूँ। इसे आप चटनी, सॉस, मेयोनीज और सॉस मिलाकर खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मेयोनीज में थोड़ी सी सॉस मिला दीजिए, इस तरह से वो एक बन जाती है इसकी सॉस अच्छी सी। तो हमारे संग मुक्ता जी जुड़ चुकी हैं, नीरू जी जुड़ चुकी हैं, पूनम जी जुड़ चुकी हैं, रिद्धिमा जी जुड़ चुकी हैं। थैंक यू आप सबका। आप लोग लाइफ में आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। रिद्धिमा जी, सरिता जी, सुमित जी, अंकित जी और आप सब ने हमारे व्हाट्सएप को जरूर जुड़ चुके होंगे। तो यहाँ पे सभी को मेरी राधे राधे। और मैं देख लेती हूँ किसी का कमेंट रह गया हो तो। यहाँ थोड़ा सा आज मुझे दिक्कत हुई थी थोड़े से काम में। चलिए कोई नहीं, कई बार हो जाता है, कोई सामान नहीं मिल पाता है तो मैं बीच में ढूंढ भी रही थी, आप देख रहे होंगे। कई बार हो जाता है सामान इधर उधर रख के हम भूल जाते हैं कि कहाँ रखा है। तो बस हमें इस तरह से क्रिस्पी करना है। 6 से 7 मिनट कर लीजिएगा। रेखा जी ने यम्मी लिखा है, सरिता जी ने राधे राधे और रिधिमा रिधिमा हमारे साथ में देख रही हूँ। अगर दोस्तों किसी का भी कमेंट रह जाता है, मैं बाद में, रिधिमा मान जी हैं तो एक हमारे साथ में, तो किसी का भी, आज रिंकी जी भी आई हैं, राधे राधे। तो आप लोग किसी का भी कमेंट रह जाता है तो मैं उसका जवाब बाद में जरूर दूंगी। शाहबाज जी हैं तो, और अपने रिधिमा मान, ठीक है, और ठीक है, तो उसका मैं जवाब बाद में जरूर दूंगी। मैं वैसे चेक कर लेती हूँ, कई बार पता नहीं लगता है। तो बस इसी तरह से बस मैं निकाल के दिखा दे रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इसे जब तक क्रिस्पी ना हो जाए जब तक हमें सेकना है, गोल्डन ब्राउन अच्छे से कर लेना। और आप भी जैसे मैंने आपने करा है तो इसमें देख रहे होंगे इतना नहीं उतरता मसाला, ऐसे ही चिपका रहता है। तो पानी से चिपका लीजिएगा और मैं बस थोड़ा सा एक आधा निकाल के दिखा देती हूँ जो सिके हुए, और मैं डाले रहने देती हूँ। तो चलिए मैं बस 2-4 दिखा देती हूँ, सो कैसे लगा के सर्व करा जाता है। तो बस 3-4 मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ और इसकी आवाज भी निकालते हुए सुना देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, तो यहाँ पे बस इस तरह से है। चलिए तो मैं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब बनाएंगे जब ही समझ में आएगा। चलिए अब मैं आपको सर्व करने का तरीका बता रही हूँ, इसे कैसे खाया जाएगा। इसे आप टूथपिक से, मैं बता रही हूँ, टूथपिक लगानी है इसमें छोटी छोटी सी। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्लेट ही ली है और थोड़ा सा मेरा, तो ये मैं पोंछ लेती हूँ। और इसे ना इस तरह से लगाया जाता है, इसे सर्व करते समय इस तरह से लगाया जाता है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी। थोड़ा सा मैं तरीका बताऊंगी इसको कैसे दिया जाता है। और इस तरह से एक एक पीस बच्चे खाते रहते हैं, बहुत ही यम्मी क्रिस्पी बनते हैं। और चावल के आटा, और जब आप सबको पता है अरारोट या कॉर्नफ्लावर जो भी हो आपके पास डाल सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ इस तरह से, तो यहाँ मैंने थोड़े से करके दिखाए, पर वो भी क्रिस्पी होने क्योंकि टाइम लगेगा। तो मैंने, और बस मेरे पास हरी चटनी नहीं थी तो थोड़ा सा हरा धनिया डालने के लिए रखा हुआ था। तो इसे हरे धनिया सॉस मेयोनीज चटनी के संग खाएंगे, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमारे संग शोभा जी भी जुड़ चुकी हैं, वेरी यम्मी लिख रही हैं प्रतिभा। चलिए तो मैं उधर भी दिखा देती हूँ इसको ऐसे सर्व करने का तरीका है। प्रार्थना जी हमारे संग जुड़ी हैं, अग्रवाल, प्रार्थना अग्रवाल जी, राधे राधे। तो मेरी आपको लाइफ अभी, अच्छा, चलिए ठीक है। तो और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप हमारी लाइव वीडियो में आते हैं, और हमारे व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो संतोष जी भी जुड़ चुकी थी, संतोष जी का भी नाम नहीं दिखा था मुझे। चलिए प्रार्थना जी, चलिए तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। कल फिर एक बड़े मजेदार, सॉरी शाम को एक बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आ रही हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीका, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। बहुत ही नया तरीका ला रही हूँ, आप देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं खुद अलग नया नया तरीका सोचती रहती हूँ मैं कैसे दिखाऊं।
तो यहाँ आकाश गुप्ता जी ने भी बहुत ही अम्मी का एक भेजा है, और सरिता जी ने भी बाय बाय। और ये यहाँ पे मैं कढ़ाई पे ही खत्म करूंगी, आप देख रहे होंगे इस तरह से क्रिस्पी होना चाहिए। तो बस यहाँ मैं निकाल लेती हूँ, गैस को बंद कर रही हूँ। चलिए बाय बाय सबको मेरी।